सो वी आर बैक फ्रॉम गुलमर्ग एंड काफ़ी शाम हो गई हमें आते आते एंड दिस इज ब्यूटीफुल डल लेक। आज हम डल लेक में ही स्टे भी करने वाले हैं। सो नाउ वी गोना गो टू आवर हाउस बोट विच वी हैव ऑलरेडी बुक्ड। सो हाउस बोट के लिए हमें जाना पड़ेगा शिकारा से, इसमें आने और जाने का बुकिंग में इंक्लूडेड रहता है। एंड दिस व्यू इन नाइट इज सीरेन। और ये रही हमारी सेकंड बोट, तीसरी भी यहीं कहीं होगी। हेलो, आपको हम काफी लेट हो गए थे और इसलिए आप दिखाते हैं आपको हाउस बोट का व्यू। दिस इज लिविंग एरिया एंड दिस वन इज टाइनी। ये है गैलरी, यहाँ से आगे रूम्स हैं सारे। दिस इज वन ऑफ फर्स्ट रूम, काफी मैसी है अभी तो। आगे ऐसे ही दो रूम्स और हैं। हेलो पड़ोसी, पड़ोसी। तो भाई लेडीज अपना फेवरेट काम करने में लग गई हैं, शॉपिंग करने। आप देखो सिर्फ यही टाइम है जहां आपको एक भी लड़की मिसिंग नहीं दिखेगी यहाँ। से ही बोट प्रोवाइड की गई है तो इस पे लोग चप्पल चला के एंजॉय कर रहे हैं। सो अर्ली मॉर्निंग में ही हम सब निकल पड़े हैं शिकारा पर डल लेक घूमने एंड ये अपने आप में ही एक अलग टाउन। यहाँ मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं एंड शिकारा में ही आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स जो कुछ ना कुछ सेल करने आते रहते हैं। सो स्मार्ट चप्पू चलाने वाला बंदा, चप्पू मैन। दिस इज सो प्रीटी गाइस, सो सीनिक। ये देखिए गौर से सुनिए टीचर क्या कहना चाह रही हैं। ये एक्सीडेंट हो जाएगा, रोक के कोई और है। ये देखो हम पर्सनल चप्पू वाले लेके अपने फ्री वाले, हमें डिस्काउंट मिला। इनके हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे इनसे। इनको हम काट देंगे व्लॉग में। एंड ये है हमारा ब्यूटीफुल सा कपल। शाम रंग बुमरो,
और ये पुष्पा अपने स्टाइल में हाउस बोट को बाय करती हुई और करवाती भी हुई। हेलो, अच्छा ओके, सो हम अब यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे दर्शन करने भोलेनाथ के शंकराचार्य टेंपल में। तो हम आ चुके हैं शंकराचार्य टेंपल के लिए। ये थोड़ा पहाड़ी पर है, अभी यहाँ पे 100 स्टेप्स हैं बने हुए और आज मंडे है, इसलिए हमें थोड़ा ट्रैफिक भी मिला है, बट यहाँ से डल लेक का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। ऊपर जाके आपको दिखाएंगे, आइए। द लास्ट स्ट्रेच ऑफ स्टेयर्स, तो अभी हम काफ़ी सीढ़ियाँ क्रॉस कर रहे हैं, बट ये फाइनल है मंदिर की ओर जाने के लिए। यहाँ से बहुत अच्छा श्रीनगर का व्यू है, आपको दिखाई श्रीनगर का फुल व्यू, यहाँ से बोट हाउस भी आप देख सकते हैं, डल लेक का कितना ही सुंदर व्यू दिख रहा है दूरों दूरों तक। के कर गए मन भाई पुष्पा। तो भाई सीन ये हो गया कि पार्किंग लगा दी हमने 2 किलोमीटर दूर, हालत देख रहे कैसे जा रहे। चश्मे शाही में बहुत थके क्योंकि हम गलत पार्किंग में चले गए थे। तो ये है तो सुंदर सा नज़ारा जिसके देखकर सारी थकान दूर हो गई। ये हरे भरे पेड़, सुंदर सुंदर वादियाँ। यहाँ की स्पेशलिटी ये है, यहाँ पे जो तो चश्मे की शेप में एक पॉन्ड कह लें या कुछ भी बाउली वो बनी है मौली, तो उसमें क्या है उसका जो पानी था वो जवाहरलाल नेहरू जी स्पेशली मंगवाया करते थे यहाँ से और उसे ही पिया करते थे स्पेसिफिकली। सो हम भी टेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कर पाए। एंड दिस इज द मोस्ट क्लीनेस्ट वाटर। और अंकल कूद फांद कर चले गए हैं पानी भरने, यहाँ ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो श्रीनगर से ही निकलते निकलते हमें काफी शाम हो गई थी और अब हम जा रहे हैं पहलगाम, एंड काफी बारिश भी हुई है रास्ते में। वैसे तो पहलगाम का रास्ता 3 घंटे का है श्रीनगर से, बट आर्मी कॉन्वॉयज की वजह से आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा भी लग सकता है। चलिए मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में पहलगाम से। बाय बाय।